एसिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा था डेसिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी आपको याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कितने टाइप के यहाँ पे, टू टाइप के, एसिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा था डेसिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब हम देखते हैं कौन सा दिया गया। एसिलेटेड मोशन क्या होता है, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, यानी कि ऐसा मोशन किसी बॉडी का मोशन जो होता है इंक्रीज होता रहता है टाइम के साथ साथ, है ना। तो यहाँ पे देखो डिग्री, यहाँ पे बी दिया है, बी मीन होता है वेलोसिटी और इधर दिया है टाइम। तो ये कैसा है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। तो मतलब एक मोटरसाइकिल है, तुम स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जैसे तुम्हारा बाइक है तुमने, है ना। नहीं होता तो है लेकिन यूनिफॉर्म कैसा हो जाता है, कोई चीज शुरुआत से ही स्पीड में थी, खड़ी नहीं थी, तुमने मोटर से शुरुआत में मोटरसाइकिल खड़ी थी आपकी जीरो की स्पीड, इनिशियल इसकी स्पीड कितनी थी, जीरो थी। आपने 100 कर दी, 110, 120, तो क्या आपको सीधा जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्यों वैसे नहीं लगता बड़ा मुश्किल है कि जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं रियली देखने को मिल सकता है, कोई ना कोई अगर ऑब्जेक्ट शुरू करता है तो कहीं ना कहीं जीरो से शुरू करता है ना, जीरो से शुरू करता है तभी तो उसकी स्पीड में आ पाता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार। चलो तो गर्ल्स क्या आपको समझ में आ रहा है, एसीलरेटरी मोशन व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये देखो व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो ये सीधा ग्राफ जाएगा, कोई स्पीड मतलब कि बढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा, घट रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, इसे समझो डेसिलेटिंग मोशन, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब यहां पे ये देखो नीचे का फेस डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों ग्राफ समझ में आया, ये इंक्रीज का ऊपर जाएगा और डिक्रीज का नीचे आएगा, मेरा ग्राफ अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, पहले इस पे हो रहा है अब इसकी वेलोसिटी भाई एक्सीलरेशन वर्ड लगा ना, एक्सीलरेशन और साइड एक्सीलरेशन नहीं देते हो, इसकी बढ़ती नहीं बढ़ती, बहुत बढ़िया कुछ किया अंदर जो है कर रहे हैं तुरंत दोबारा देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। चलो ये दोनों ग्राफ क्लियर है, ये वाले देखो बेटा ये दोनों ग्राफ क्लियर है। चलो अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, स्पीड माने क्या होता है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी बॉडी का पर यूनिट टाइम, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई दूरी तय करता है पर यूनिट टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर, तो हम उसे कहते हैं स्पीड। स्पीड का चार बराबर दूरी बटे समय, देखो चार बराबर दूरी बटे समय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार बराबर दूरी बटे समय, अंग्रेजी कहते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, बुझा नहीं। चलो अब यहाँ पर स्पीड को क्या माना गया है, स्पीड को माना गया है v, ठीक है, और s क्या माना गया है, दूरी डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस, नहीं नहीं ये स्मॉल s है वो कैपिटल s, मतलब से समझ में आ गया, मतलब वेलोसिटी देखो एक मिनट मेरे पास, यहाँ देखो स्पीड है, स्पीड को डिनोट किया है मैंने v से, और डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट किया है स्मॉल s से, और टाइम को उन्होंने माना है स्मॉल t, ठीक है ये माना है। यहाँ पे देखो v बराबर s
ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, इफ अ बॉडी इज एक्सक्यूटिंग निकालो।